असलमकम डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री दैट इज़ द स्काई अब अस वी नो कि हमारे हम जमीन पर रहते हैं जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आसमान हमें दिखता है बट टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आसमान में दिखती हैं वैन वी लुक अप इन दी ओपन वी सी द स्काई बॉस जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे जब हम घर से बाहर निकलते किसी रूम में नहीं होंगे जब हमारे ऊपर कोई छत नहीं होगी तो जब हम फिर ऊपर की तरफ देखते हैं हमें आसमान दिखता है ऑन ए सनी डे द स्काई लुक्स ब्लू जब सूरज निकलता है तो उस दिन गर्मी होती है तो उस दिन जो आसमान होता है वो नीला होता है वी कैन सी द सन वाइट क्लाउड्स एंड बर्ड्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे दिन में जब हमने देखना होता है या देखते हैं आसमान की तरफ हमें सूरज दिखता है हमें बादल दिखते हैं सो दिन में जब भी आप आसमान की तरफ देखोगे आपको सूरज दिखेगा आपको बादल दिखेंगे एंड आपको बर्ड्स भी दिखते हैं सो so, uh, जब भी हम दिन में सूरज आसमान की तरफ देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें आसमान में देखने को मिलती है द सन श्रा शाइन्स ब्राइटली इट गिव्स अस हीट एंड लाइट तो ये सूरज जो है ये चमकता है बहुत तेज़ से चमकता है एंड ये हमें गर्मी देता है और ये हमें लाइट देता है सो so, दिन में आपको बाहर टॉर्च लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ जो सन आपको रोशनी दे रहा है उससे आप हर एक चीज़ बाहर देख सकते हो ऑल्सो ये आपको गर्मी भी देता है सो so, जब आप ठक को ठंड लगे या ठंड महसूस हो तो आप धूप में बैठते हो क्यों क्योंकि आपको सन से गर्मी मिलती है एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग्स अ न्यू डे वी नो फोर इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन होते हैं दैट्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट वो डायरेक्शन होती है जिससे जो सन है वो राइज होता है तो जो हर रोज हर सुबह जो सन है ये ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड हर शाम को यही सूरज ढल जाता है ये ग्रूब होता है लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में सो so, ईस्ट में ये राइज़ होता है और वेस्ट डायरेक्शन में ये सेट होता है एंड जब ऐसा होता है तो अंधेरा छा जाता है और रात स्टार्ट हो जाती है एट नाइट मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई दिन में हमें पता था पता है कि हमें सन दिखता है हमें क्लाउड्स दिखते हैं बादल दिखते हैं परिंदे दिखते हैं लेकिन जब सूरज ग्रूब हो जाता है तो रात के टाइम पे जब अंधेरा छा जाता है तो हमें बहुत सारे हज़ारों लाखों तारे दिखते हैं आसमान जो कि टिमटिमा रहे होते हैं और ऑल्सो हमें मून भी दिखता है तो दिन के टाइम पे हमें ऐसा नहीं दिखता लेकिन रात के टाइम पे हमें स्टार्स दिखते हैं आसमान में हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं और हमें मून दिखता है जो कि रात को चमक रहे होते हैं जो कि रात को रोशनी देते हैं द सन एंड द स्टार्स आर बिगर देन द अर्थ जो सन है जो कि हमें रोशनी देता है हीट देता है और जो स्टार्स है जो कि रात को टिमटिमाते हैं आसमान में ये हमारे अर्थ से बड़ा है जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं ये इससे बड़े हैं ये दोनों जो है इससे बड़े हैं इवन जो सन है ये भी एक स्टार ही है जस्ट लाइक अदर स्टार सन भी एक स्टार ही है लेकिन यह हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमसे हमारे ज़्यादा नज़दीक है ये अर्थ से ज़्यादा नज़दीक है लेकिन बाकी स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो जो चीज़ जितनी दूर होगी वो हमें छोटी दिखती है लेकिन जितना हम उस चीज़ के नज़दीक जाएंगे या वो चीज़ हमारे नज़दीक आएगी तो वो चीज़ हमें बड़ी दिखती है तो हमें स्टार्स या सन जो है ये बड़े हैं अर्थ से लेकिन ये छोटे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये हमसे दूर है On न रेनी डे वी कैन सी वेरी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई फिर कभी ऐसा भी होता है कोई ऐसा दिन भी होता है जिस दिन सन ब्राइटली नहीं चमकता या सन जो है हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि उस दिन पूरे बादल होते हैं तो जब बारिश वैसे होती है तो ऐसा होता है कि उस दिन आसमान में बादल होते हैं पूरी हर तरफ बादल छाए होते हैं और अंधेरा जैसा होता है समटाइम्स दे हाइट द सन कभी कभार इतने बादल होते हैं कि फिर हमें सन ही नहीं देखता वो छुपता है इसके पीछे छुप जाता है द स्काई लुक्स ग्रे इन कलर तो उस दिन जो आसमान होता है वो हमें ग्रे कलर का दिखता है डार्क क्लाउड स्प्रिंग रेन एंड जो डार्क क्लाउड्स होते हैं इसकी वजह से जब बादल होते हैं काले बादल होते हैं तो उसकी वजह से बारिश होती है वेन द सन कम्स आउट आफ्टर ट्रेंस वी समाइम्स सी योर रेनबो फिर जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकलता है तो उसकी जल्द ही सूरज निकलेगा तो हमें आसमान में रेनबो दिखता है जो कि सेवन कलर्स का बना होता है और ये बहुत ही ब्यूटिफुल होता है तो जब बारिश रुक जाती है जब सूरज निकलेगा तो आसमान में हमें सात कलर का एक रेनबो दिखता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है एंड इसके जो सेवन कलर्स है वो है वेब गायर V is for violet I is for indigo B is for blue G is for green Y is for yellow O is for orange and R is for रेड सो so, ये सेवन कलर्स का हमें रेनबो स्काई में दिखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और ऐसा तब होता है जब बारिश रुक जाती है और फिर जब सूरज निकलता है जब वही सूरज की रोशनी फिर बारिश की बूंदों पे पड़ती है तो ये कलर्स हमें दिखते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी सी इन द स्काई आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड डू यू थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे